परमेश्वर का वचन कहा जाता है, परमेश्वर के वचन का प्रभाव वहां देखने को मिलता है। अगर कोई ग्रहण करता है तो ब्लेसिंग्स के द्वारा, और कोई ग्रहण नहीं करता है, उसकी तोहिन करता है, तो श्राप के द्वारा जो है वो दिखाई देता है, दिखाई जरूर देता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां आप सबको मिले। आज हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी हुई, स्त्री से जन्म लेने की भविष्यवाणी, वो कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रथम भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह की जो हुई है वो लगभग 4000 BC में हुई है, और ये जो भविष्यवाणी जो की गई है इसको करने वाला स्वयं परमेश्वर है, किसी और के द्वारा नहीं हुई है। परमेश्वर ने जो है ये भविष्यवाणी करी है। जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ेंगे, 1 से पढ़ते जाएंगे, कि जब सांप जो था, जो सबसे धूर्त बताया गया है कि सांप के रूप में जो है शैतान आया और उसने अदन की वाटिका में जाकर जो है हवा को उकसाया कि वो फल खाए, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना करा था, और हवा ने जो है उसके उकसाने पर वो फल खा लिया, और उसके बाद हवा के कहने से आदम ने भी वो फल खा लिया। इसलिए तिमोथियुस में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम बहकाया ना गया परंतु स्त्री बहकाए जाने के कारण अपराधिन ठहरी, तो भी बच्चे जनने के द्वारा उसका उद्धार होगा। तो यहां पर जब उन्होंने पाप कर दिया और परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों से बातचीत करी और उनको दोषी पाया, तब उसने जो है सांप से जो है सांप को भी श्राप किया कि तू मिट्टी चाटेगा और पेट के बल जो है रेंगेगा और तू इंसान की एड़ी को डसेगा और वो तेरे फन को कुचलेगा। तो ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने कही और उससे ये कहा कि मैं, तब परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। अब वंश जो है, जब आप वंश की बात करते हैं तो वो वंश जो है पुरुष से चलता है, परंतु यहां पर परमेश्वर ने स्त्री के वंश की बात करी है। जब स्त्री के वंश की बात करी है तो इसका मतलब क्या है, भविष्यवाणी कर रहा है कि भविष्य में परमेश्वर किसी स्त्री को जो है, जो कुआरी होगी, गर्भवती होगी और उससे जो पुत्र जन्म देगा वो जो है वो इसके फन को कुचलेगा। ये भविष्यवाणी जो है परमेश्वर के द्वारा हुई है, और ये भविष्यवाणी जो है यशाया के द्वारा भी हुई है। यशाया जो भविष्यवक्ता रहा है, और यशाया जो है उसको सुसमाचार का प्रचारक भी कहा गया है, 739 BC से लेकर 681 के बीच में जो है भविष्यवाणी यशाया ने जो है वो की है। क्या भविष्यवाणी करी है, चलिए वो देख लेते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया 7 अध्याय और उसका 14वां पद है, यहां लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक क्वारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यशाया ने इस बात की भविष्यवाणी करी, यानी परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को यशाया ने और आगे बढ़ाया, या यशाया के द्वारा परमेश्वर ने अपनी उस भविष्यवाणी पर बिल्कुल छाप लगा दी और कहा कि यह मनुष्यों के लिए एक चिन्ह होगा कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम जो है इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ, यानी उस पुत्र का होने का मतलब है ये कि परमेश्वर जो है वह हमारे साथ है, वो स्वयं परमेश्वर है। आप ये समझ लीजिए कि जब क्वारी गर्भवती हुई, यानी मरियम ने जब यीशु मसीह को जन्म दिया, तो यीशु मसीह का जन्म जो है इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा जो है परमेश्वर हमारे साथ है।
जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, इमैनुअल जो नाम है उसका जो मीनिंग निकल के आता है वो है कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि परमेश्वर हमारे साथ हो लेता है। और जैसा उसने पुराने समय में अपने लोगों से कहा, इसराइलियों से कहा और भी अपने लोगों से कहा कि मैं यहोवा तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। हम लोग गीत भी गाते हैं, यहोवा जो हमारे संग संग चलता है, ठीक है। तो ऐसे जब यीशु मसीह हमारे संग है तो वही यहोवा जो हमारे संग संग चलने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के द्वारा हमारे संग संग चलता है, वो यहोवा हमारे संग संग चलने वाला है। गलतियों 4 अध्याय उसका 4 पद जरा ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि इस तेरे वंश और इस के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, ठीक है, वंश की बात। और यशायाह क्या कहता है कि एक स्त्री गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती जो होगी वो होगी और एक पुत्र को जनेगी। और यहां कहता है कि जब परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने समय निर्धारित कर रखा है और जो समय परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा उस समय के अनुसार सारे कार्य होते हैं, उसके आगे नहीं उसके पीछे नहीं। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, परमेश्वर ने जो समय निर्धारित करा है उस समय के अंदर जो है वो काम वो करेगा। और यहां पर परमेश्वर ने यीशु मसीह का जो आना था, जो समय निर्धारित कर रखा था परमेश्वर ने, जो वो समय जब पूरा हो गया तो उस पूरे समय के बाद जो है परमेश्वर के निर्धारित समय में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में हम सबके पापों के लिए और हमारे साथ रहने के लिए आया। लूका 1:35 में क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम से क्या कहा स्वर्गदूत ने कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, ठीक है, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, यानी यीशु मसीह इसलिए परमेश्वर का पुत्र कहलाया। वो किसी पुरुष के द्वारा पैदा नहीं हुआ है, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जो है उसके द्वारा जो है पैदा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पैदा हुआ है और इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। अगर वो किसी पुरुष के द्वारा पैदा होता तो वो कदापि भी परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाता। स्वर्गदूत की जो है मरियम से जो वार्तालाप हुई है वो September 3 BC में हुई है और 4 BC में जो है ये भविष्यवाणी जो है यीशु के जन्म की पूरी हुई है और प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। Luke 2:7 को मैं पढ़ना चाहूंगा, ये आखिरी पद है, मैं पढ़ना चाहूंगा। और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। देखिए ये भी भविष्यवाणियां हैं, चरनी में रखा, कपड़े में लपेट के रखा, क्यों रखा, ये सारी भविष्यवाणियां हैं। परंतु ये जो भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर ने स्त्री के लिए की है कि स्त्री से जन्म लेने की जो भविष्यवाणी है वो किस तरीके से पूरी हुई है और कैसे पूरी हुई है और आज सारा संसार जो है इस भविष्यवाणी पे विलीप करता है कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो सच्चा है। पिछले संदेश में हमने सुना था मरियम के लिए कि परमेश्वर का वचन कहता है Luke 1 को जब आप पढ़ेंगे कि वो जो है प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभाव डालता है। जहां परमेश्वर का वचन बोया जाता है, जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, जहां परमेश्वर का वचन कहा जाता है, परमेश्वर के वचन का प्रभाव वहां देखने को मिलता है। अगर कोई ग्रहण करता है तो ब्लेसिंग्स के द्वारा और कोई ग्रहण नहीं करता है उसकी तोहिन करता है तो श्राप के द्वारा जो है वो दिखाई देता, दिखाई जरूर देता है। ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।